हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मृदुल शर्मा। और आज आप लोगों को मैं कॉन्टैक्ट डीयरिंग के बारे में बात करेंगे आज हम लोग। और इससे पहले जो वीडियो मैंने दो वीडियो बना रखी हैं, उसमें हम लोगों ने स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट डीयरिंग की बात की थी। और आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे रोलिंग कॉन्टैक्ट डीयरिंग की। तो रोलिंग कॉन्टैक्ट डीयरिंग क्या होती है, कैसे काम करती है ना। तो ये मैंने स्क्रीन शेयर किया है यहाँ पे, एक सेकेंड भी बता देता हूँ, आप अभी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ मैं। आई थिंक अभी हुई नहीं है। ये स्क्रीन शेयर हो चुकी है ना। तो आज हम लोग बात करेंगे रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग की। और रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग होती क्या है, इसका इंट्रोडक्शन क्या है, क्या काम होता है, दूसरा नाम क्या है इसका, और क्या एडवांटेजेस हैं इसके, रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग के क्या डिसएडवांटेजेस हैं, और इसे कितने टाइप्स होते हैं रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग के, और जो इसके दो टाइप्स होते हैं उसमें से एक टाइप्स के बारे में हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग इसके इंट्रोडक्शन की। इन रोलिंग बियरिंग्स द कॉन्टैक्ट बिटवीन द बियरिंग सर्फेस इन रोलिंग। तो इस लाइन से काफी चीजें क्लियर हो जाती हैं। इन रोलिंग बियरिंग द कॉन्टैक्ट टेक्स प्लेस बिटवीन द बियरिंग सर्फेसिस कॉल्ड इज रोलिंग, है ना। इससे पहले जब हम बात करते थे स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग की, तो वहां पे स्लाइडिंग एक्शन होता था जर्नल और बियरिंग के बीच में। इससे कि हम लोगों को एक लुब्रिकेटेड फिल्म जनरेट करनी पड़ती थी और हम लोगों को लगाना पड़ता था उसमें लुब्रिकेंट, क्योंकि वहां पर फ्रिक्शन ज्यादा होता था। फ्रिक्शन ज्यादा होता था तो इस वजह से हीट प्रोड्यूस होती थी। तो इसके डिसएडवांटेजेस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग के ये थे। तो इसी डिसएडवांटेजेस को कम करने के लिए रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग का यूज किया जाता है इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस में, किसी भी मशीनरी में, है ना। तो जैसे डायग्राम भी दिखा रखा है, इस पे भी, इस डायग्राम पे भी हम अभी बात करेंगे, क्योंकि यही बेसिक डायग्राम है। अगर ये समझ में आ जाता है तो आप लोगों को जो मूवी होती है, पिक्चर होती है, उसका स्टार्टिंग से मतलब एक इंट्रोडक्शन तैयार हो जाएगा आपके माइंड में, सेटअप तैयार हो जाएगा, उसके बाद फिर इजी हो जाएगा समझने में, है ना। तो ये ट्रेलर है पूरा मूवी का, जिस ट्रेलर से आपको आइडिया लग जाएगा कि इस चैप्टर के अंदर, इस यूनिट के अंदर, यूनिट नंबर 4 से क्या क्या चीजें होती हैं और कैसे कैसे काम करती हैं। आगे लिखा है द ऑर्डिनरी स्लाइडिंग बियरिंग स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट विद द प्रैक्टिकली मेटल टू मेटल कॉन्टेक्ट एंड हैज ए हाई कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन। वही वाली बात है जो मैंने आप लोगों को बताई थी कि जो ऑर्डिनरी स्लाइडिंग एक्शन होता है, बियरिंग होती है, उसके अंदर मेटल टू मेटल कॉन्टेक्ट से स्टार्ट होता है। चाहे उसके अंदर आप थिक फिल्म भी जनरेट कर दीजिए, उसके अंदर कोई थिक बाउंड्री की फिल्म भी है, तब भी एट रेस्ट और एट स्लो स्पीड जर्नल और बियरिंग के बीच में एक मेटल टू मेटल कॉन्टेक्ट से स्टार्ट होता है, जिससे हाई कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन हो जाता है, जिससे हम लोग जो मशीन होती है, मशीन की एफिशिएंसी पे इफेक्ट करती है वो फ्रिक्शन, है ना। तो इसी को ही हम कम करने के लिए हम लोग रोलिंग बियरिंग का यूज करते हैं। द रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग हैज ए लो स्टार्टिंग फ्रिक्शन ड्यू टू दिस लो फ्रिक्शन ऑफर्ड बाई रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एंटी फ्रिक्शन बियरिंग। जैसे जो बॉल बियरिंग होता है उसका दूसरा नाम एंटी फ्रिक्शन बियरिंग बोला जाता है ना। तो ये इसका एक इंट्रोडक्शन हो गया है। स्टार्टिंग में जो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग होती है उसमें काफी ज्यादा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन काफी जनरेट होता है। तो इस समस्या को कम करने के लिए हम लोग रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग का यूज करते हैं। क्योंकि जब हम बात करते हैं स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग की, तो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग में सपोज ये आपका, जैसे हमने पहले भी डायग्राम बना रखे हैं, सपोज ये आपका हो गया स्टेशनरी पार्ट जिसे हम बियरिंग बोल देंगे, और इसके अंदर ये हो गया जर्नल। तो यहाँ पे जो कॉन्टेक्ट हो रहा है इसके सरकमफ्रेंस, ये जो आपका जर्नल है, जर्नल के आउटर सरफेस बोल सकते हैं, आउटर सरफेस एरिया, और जो ये बियरिंग है, बियरिंग के इनर सरफेस एरिया के बीच में कॉन्टेक्ट हो रहा है, तो मेटल टू मेटल कॉन्टेक्ट एट स्टार्टिंग और एट स्लो स्पीड, है ना। लेकिन इसमें ये ऐसा नहीं होता। इसमें आपको अगर ये डायग्राम दिखाई दे, देख लेते हैं हम लोग डायग्राम। रोलिंग कॉन्टेक्ट बियरिंग के केस में मेनली इसमें तीन चार चीजें होती हैं, या आप लोग समझ लीजिए। सबसे पहले
अगर मैं इसे बोल रहा हूँ जो ऊपर वाला जैसे बियरिंग होती थी, तो इस बियरिंग को ही हम आउटर रेस बोल देंगे, ये जो आउटर सरफेस हो गया है ना, जो बाहर वाला जो ये सरकमफ्रेंस है, ये हो गया आपका आउटर रेस, ये अंदर वाला जो हो गया ये आपका इनर रेस हो गया ये वाला। और आउटर रेस और इनर रेस के बीच में कुछ बॉल्स या रोलर हम लोग लगा देते हैं, फिट कर देते हैं। तो जो इनर सरफेस अगर रोटेशन में होता है, सपोज इस डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, तो यहाँ पे स्लाइडिंग एक्शन ना होके बल्कि पॉइंट टू पॉइंट कॉन्टेक्ट होगा। अब ये कैसे होगा, अगर मैं बात कर रहा हूँ एक ये बॉल है, थोड़ी सी सही नहीं बनी है ना, ऑयल टाइप की हो गई, यहाँ पर जो कॉन्टेक्ट होता है, सपोज अब इसी डायग्राम को हम थोड़ा सा एनलार्ज करके देख लें अगर, तो एक पॉइंट यहाँ पर और एक पॉइंट यहाँ पर, यहाँ पे कॉन्टेक्ट हो रहा है इसमें, रोलिंग कॉन्टेक्ट बियरिंग में, है ना। तो इसके ये एप्लीकेशन होता है, जितना कम एरिया होगा उतने हमारा फ्रिक्शन कम हो जाएगा, ठीक है। और एक ये टर्म आई है रिटेनर, रिटेनर या ऐसे दूसरा नाम इसका कि इसे केज भी बोल सकते हैं, और केज है ना। अब इस रिटेनर का काम क्या होता है, जब हम आउटर रेस और इनर रेस के बीच में ये बॉल फिट कर दे गिर दी जाती है इसके अंदर, तो जिससे कि इन दोनों बॉल जो सपोज ये बॉल एक ही है एक बॉल है, इन दोनों के बॉल के बीच का जो डिस्टेंस है वो मेंटेन रहे, तो हम क्या करते हैं एक केज टाइप का बना लेते हैं, ये कुछ टाइप का जाता है, ये ऐसे जाते हुए जिस टाइप का है ना, ये कह सकते हैं एक इसे एक पिजरा बना देते हैं इसका, एक खांचे टाइप में है ना, इस टाइप से इसके अंदर है ना। और ये इसके अंदर रिटेनर के अंदर सपोज इसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे पॉइंट कॉन्टेक्ट होगा और एक कॉन्टेक्ट यहाँ पे होगा, जिससे कि ये गोल जो बॉल्स हैं ये गोलियां हैं इधर उधर डिस्प्लेस ना हो जाए, जिससे अपनी पोजिशन पे फिट रहे। और ये पार्ट आपका जो अंदर इनर रेस है रोटेशन में रहे, और जो ये है ये भी रोटेशन में रहे लेकिन इस रिटेनर के अंदर, इसका एप्लीकेशन ये होता है ना। तो बेसिकली ये सब चीजें होती हैं इसके अंदर। और जब इसके हम टाइप पढ़ें तो इसके अलग अलग टाइप भी होते हैं, तो वो भी हम लोग देखेंगे है ना। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं एडवांटेजेस, एडवांटेजेस क्या है जल्दी जल्दी इसको भी पढ़ लेते हैं। सबसे पहला है लो स्टार्टिंग एंड रनिंग फ्रिक्शन एट लो स्पीड, इसकी बात हमने पहले ही कर चुके हैं। एबिलिटी टू रेजिस्टेंट अगेंस्ट शॉक लोड्स, शॉक लोड्स के अगेंस्ट में जो है ये फेल नहीं होता जल्दी से। एक्यूरेसी ऑफ शाफ्ट अलाइनमेंट, क्योंकि हम लोग रिटेनर यहाँ पे लगा देंगे तो जिससे इसका मिस अलाइनमेंट भी नहीं होता। लो कॉस्ट मेंटेनेंस एज नो लुब्रिकेशन इज रिक्वायर्ड, ये बात हमने पहले कर ली है, स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट बियरिंग में लुब्रिकेशन लगाने की आवश्यकता होती, जरूरत होती है, नीड होती है, लेकिन इस वाले केस में सॉलिड कॉन्टेक्ट में कोई जरूरत नहीं है। स्मॉल ओवरऑल डायमेंशंस, रिलायबिलिटी ऑफ सर्विस एंड इजी टू माउंट एंड इरेक्ट, एंड लास्ट 8 पॉइंट है इसका क्लीनलीनेस, और इसकी जो सफाई है वो इजीली कर सकते हैं, इसको हम इजीली फिट कर सकते हैं, माउंट मतलब फिट कर सकते हैं, इरेक्ट मतलब इसका जो भी जहाँ पर भी इसे सर्विस में लगाना है वहाँ पर हम इस लोग इसको इजीली लगा सकते हैं ना, माउंट इसकी इजी है और इरेक्ट करना भी इसको इजी है। और इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे मोर नॉइजी एट वेरी हाई स्पीड, क्योंकि जो मोशन के पार्ट हो जाते हैं वो इसमें बढ़ जाते हैं, नंबर ऑफ मोशन पार्ट्स है ना, जैसे बॉल्स रोलर्स हम लगा देंगे यहाँ पे, इस वजह से नॉइजी हो जाते हैं। सेकंड दे रखा है लो रेजिस्टेंस टू शॉक लोड, थर्ड दे रखा है इनिशियल कॉस्ट ज्यादा है, और इसकी हाउसिंग थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है एज कम्पेयर टू स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट गियर। ये कुछ कुछ एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं। इसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स की, तो मेनली जो आपके रोलिंग कॉन्टेक्ट बियरिंग होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, वैसे मैंने इसके बारे में पहले बता दिया, एक होता है आपका बॉल बियरिंग और एक होता है आपका रोलर बियरिंग। बॉल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि बॉल का मतलब क्या होता है, जैसे गेंद होती है ना, इस टाइप से जो बॉल होती है अगर वो होता है तो उसे बॉल बियरिंग बोलते हैं। ये दे रखा है ये आउटर रेस है और ये इनर रेस है, इसके बीच में रिटेनर लगा हुआ है, रिटेनर के अंदर ये बॉल फिट कर दी है, तो इस टाइप की बियरिंग को हम बॉल बियरिंग बोलते हैं। और सेकंड आपका रोलर, रोलर आप मतलब एक सिलेंडर टाइप से समझ सकते हो, यहाँ पर बॉल ना होके अगर एक रोलर फिट कर दिया जाए इस टाइप से, ये रोलर हो गया आपका, अगर ये आउटर रेस और इनर रेस के बीच में हो इसके रिटेनर के अंदर, तो हम इसको बोल देंगे हम लोग रोलर बियर है ना।
उसके बाद लोड के अकॉर्डिंग बता रखा है, दिखा रखा है डायग्राम में। सबसे पहले दे रखा है रेडियल लोड, जैसे कि स्लाइडिंग में था ऐसे इसमें होता है। अगर शाफ्ट एक्सिस के परपेंडिकुलर लोड लगे, जैसे डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो सकता है ना, तो या हम कह सकते हैं कि एक मोमेंट जनरेट हो सकता है, मोमेंट होगिंग हो सकता है, सैगिंग हो सकता है ना, तो इस टाइप के जो बियरिंग बनेगी उसे हम बोलते हैं रेडियल बियरिंग। वहीं आपका दूसरा है एक्सियल या फिर थ्रस्ट बियरिंग, तो एक्सिस के अलोंग लगे या एक्सिस के पैरेलल लगे, तो उस बियरिंग को हम बोलते हैं थ्रस्ट बॉल बियरिंग या थ्रस्ट रोलर बियरिंग और एक्सियल बॉल बियरिंग, है ना। जो ये होता है एक्शन, ये आपका ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन इनर एंड आउटर रेस के बीच के जो मोशन होता है उसकी वजह से प्रोड्यूस होता है ना। अगर ये आपको समझ में ना आया हो तो ऐसे समझ सकते हैं, अगर हमारे पास सपोज एक रोलर की बात कर रहे हैं, रोलर में जो लोड अगर लगे शाफ्ट के एक्सिस के अलोंग, तो ये एक्सियल हो गया, और अगर लगे परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ शाफ्ट तो हम इसे बोल देंगे रेडियल। रेडियल हो गया और ये हो गया आपका एक्सियल, है ना। तो ये इस टाइप से भी हम इसे क्लासिफाई कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। मैंने हाईलाइट कर दिया अलग से, वैसे रेड पेंसिल से आपको अलग से पता चल जाएगा कुछ पॉइंट्स जो हैं इसमें, है ना, और जो नहीं है वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। आगे इसके बारे में लिख रखा है, द बॉल एंड द रोलर बियरिंग कंसिस्ट ऑफ एन इनर रेस विच इज माउंटेड ऑन द शाफ्ट और जर्नल एंड ऑन द आउटर रेस विच इज कैरिड बाई द हाउसिंग और केसिंग। ए नंबर ऑफ बॉल्स और रोलर्स आर यूज्ड एंड दीज आर हेल्ड एट प्रॉपर डिस्टेंस बाय रिटेनर्स। इस रिटेनर्स की एप्लीकेशन मैंने पहले ही बता दी, जिससे डिस्टेंस प्रॉपर मेंटेन रहे, सो दैट दे डू नॉट टच ईच अदर, जिससे एक दूसरे को वो टच ना करें, है ना। अगर टच करेंगे तो वहां पे फेल हो सकते हैं, है ना। द बॉल बियरिंग्स आर यूज्ड फॉर लाइट लोड्स एंड रोलर बियरिंग्स आर यूज्ड फॉर हेवियर लोड्स। ये इंपॉर्टेंट एक हाईलाइट करने वाली लाइन है कि जो बॉल बियरिंग्स होती हैं वो लाइट लोड्स के लिए यूज होती हैं, जो रोलर बियरिंग होती है वो हैवियर लोड्स के लिए यूज करते हैं हम लोग, है ना। अभी हम स्पीड की बात नहीं कर रहे हैं, आरपीएम की बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल बात कर रहे हैं अभी लोड के रेस्पेक्ट में। लोड के रेस्पेक्ट में बॉल बियरिंग यूज होती है लाइट लोड के लिए और रोलर बियरिंग यूज होती हैवियर लोड के लिए। इसके बाद दे रखा है आपका, द रेडियल एंड थ्रस्ट बॉल बियरिंग आर शोन, बॉल बियरिंग सपोर्ट्स ओनली, आप लोग देख लीजिए इसमें डायग्राम दिखा रखा है ऊपर भी, है ना। तो ये वही चीज दे रखी है कि परपेंडिकुलर लगती है और या फिर वो पैरेलल लगती है शाफ्ट के एक्सिस के, ठीक है। आज हम फिर इसके बाद हम लोग आज थोड़ा सा इसी के बारे में बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ बॉल बियरिंग क्या होता है ना। आज हम ये बात नहीं करेंगे कि ये रोलर बियरिंग के टाइप, हम बात करेंगे केवल बॉल बियरिंग के बारे में, है ना। ये थोड़ा सा ये समझने वाली चीज है क्योंकि, है ना, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा समझने के लिए। चलिए इसके बारे में बात करते हैं, बॉल बियरिंग के टाइप्स, जिसका दूसरा नाम है एंटी फ्रिक्शन बियरिंग। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, रेडियल बॉल बियरिंग को ही हम एंटी फ्रिक्शन बॉल बियरिंग भी बोल सकते हैं, है ना। तो ये आपका, इसमें एक बार फोर डायग्राम हम लोग समझ लेते हैं। ये आपका आउटर रेस है, ये इनर रेस है, इसके बीच में एक ये बॉल है। लेकिन आप ध्यान दे रहे होंगे, जो ये बॉल बनी हुई है तो जो आउटर रेस है यहाँ पे एक ग्रूव कटा हुआ है। इसका जो इनर सरफेस है रेस का, जो अगर हम एक आउटर रेस की बात करेंगे तो आउटर रेस ऐसा ना होके बल्कि कुछ ऐसा है, इसके अंदर बॉल हम फिट कर सके, है ना। तो ये कुछ फ्लैट ना होके कुछ इस टाइप का होता है ना, एक ग्रूव्स कटे रहते हैं आउटर रेस और इनर रेस के बीच में, इसी के रेस्पेक्ट में क्लासिफिकेशन होता है। जैसे सबसे पहला टाइप दे रखा है आपका सिंगल रो डीप ग्रूव बियरिंग, और जो लोड वियर कर सकता है वो रेडियल लोड वियर कर सकता है ना। ड्यूरिंग असेंबली ऑफ दिस बियरिंग द रेसिस आर ऑफसेट एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉल्स आर प्लेस्ड बिटवीन द रेसिस। जब असेंबली होती है किसी भी बियरिंग की, बॉल बियरिंग की, जो रेसेस होते हैं इनर रेसेस और आउटर रेस, वो ऑफसेट होते हैं और उसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉल प्लेस किए जाते हैं, है ना। द रेसेस आर देन सेंटर्ड, उससे पहले ऑफसेट होते थे, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सेंटर्ड करते हैं। एंड द बॉल्स आर सिमेट्रिकली लोकेटेड बाई द यूज ऑफ रिटेनर और केज। ये आप लोगों का समझ में आ गया होगा, है ना। मैंने बताया था ना, अगर उससे पहले की आपको स्टोरी समझ में आ जाती है तो आगे की मूवी जो है वो आराम से समझ में आ जाएगी, है ना। तो द डीप ग्रूव बॉल बियरिंग्स आर यूज्ड
ड्यू टू देयर हाई लोड कैरिंग कैपेसिटी एंड सुटेबिलिटी फॉर हाई रनिंग स्पीड। तो इसमें यही बात कह रहा है, देखिए इसे मैं एक बार और फिर से समझा देता हूँ आप लोगों को। जैसे मैंने आप लोगों को बताया है, अगर ये हमारा आउटर रेस है और ये इनर रेस है, तो इसके बीच में हम लोग क्या करते हैं, बॉल फिट करते चले जाते हैं इस तरह से। लेकिन जो ये बॉल फिट करते हैं तो ऐसा नहीं होता कि जो ये इनर सरफेस, ये वाला इनर सरफेस, ये वाला और ये आउटर सरफेस आउटर रेस का, है ना, कि ये बिल्कुल फ्लैट हो। ये फ्लैट ना होकर ये कुछ इस टाइप से रहते हैं, ये इधर जाकर थोड़ा सा ऊपर की तरफ रहता है और यहाँ पर जाके ये ऐसे रहता है इस टाइप से। यहाँ पे जाके फिर थोड़ा सा इसमें ऐसे एक ग्रूव कटा रहता है, ऐसे यहाँ पे ग्रूव कटा रहता है, फिर यहाँ पे जाके फिर ऐसे ग्रूव कटा रहता है ना, फिर इस टाइप से ग्रूव कटा रहता है ना। तो ऐसा होता है ऐसे, फिर अगर हम इनर रेस की बात करें, इनर रेस में भी ऐसा होता है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बॉल को हम प्लेस कर सकें इनर और आउटर रेस के बीच में। तो इस टाइप के जो बियरिंग होती है, बॉल बियरिंग, उसे बोला जाता है सिंगल रोड डीप ग्रूव बॉल बियरिंग। ठीक है, चलिए, डीप ग्रूव नाम से ही पता चल रहा है कि ग्रूव कटे रहते हैं रेस के अंदर, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बॉल हम प्लेस कर सकें। जितने ज्यादा बॉल प्लेस होंगे उतनी ज्यादा लोड कैरिंग कैपेसिटी हो जाएगी किसी भी बॉल बियरिंग में। ठीक है, सेकंड दे रखा है फिलिंग नोच बियरिंग, इसे थोड़ा सा आप एक बार पहले पढ़ लीजिए। दीज बियरिंग्स हैव नोचेस इन द इनर एंड आउटर रेसेस विच परमिट मोर बॉल्स टू बी इंसर्टेड देन ए ग्रूव बॉल बियरिंग। जी, लाइन में सारी बात क्लियर हो जा रही है, तो एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। इससे पहले अगर हम बात कर रहे थे सिंगल रोड डीप ग्रूव बियरिंग की, जिसमें ग्रूव्स कटे रहते हैं, इसमें भी ऐसे ही रहेगा, ग्रूव्स तो कटे ही रहेंगे जिसके अंदर हमारे बॉल्स रहेंगी, और इनर रेस में भी और आउटर रेस में भी। लेकिन साथ साथ अगर इनर रेस और आउटर रेस में जो कुछ नोच और इंक्रीज कर दिए जाए, जिससे कि जो बॉल्स इंसर्ट करनी है वो और ज्यादा हो जाए, जिससे नंबर ऑफ बॉल्स इंसर्टेड इनसाइड द इनर रेस एंड आउटर रेस कैन इंक्रीज, है ना, जिससे इंक्रीज हो जाए, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जो फिलिंग नोच बियरिंग होती है उसमें जो इनर रेस और आउटर रेस है उसके बीच में ग्रूव तो ऑलरेडी कटे हुए हैं, जैसे कि इसमें दिखा रखा है सिंगल रो में, सिंगल रो रहेगी लेकिन कुछ ग्रूव कटे रहेंगे। ग्रूव के साथ साथ हम लोग क्या करते हैं, इसमें कुछ एक्स्ट्रा नोच भी काट देते हैं, कट कर देते हैं, जिससे कि कुछ एक्स्ट्रा बॉल और इंसर्ट की जा सके, जिससे कि लोड कैरिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाए, है ना। जैसे इसमें लिख भी रखा है, इट हैज ए लार्जर, इसे मैं नोट कर देता हूँ, हाईलाइट करता हूँ, इट हैज ए लार्जर बियरिंग लोड कैपेसिटी बिकॉज ऑफ द लार्जर नंबर ऑफ बॉल्स। लेकिन इसमें एक लाइन ये मेंशन कर रखी है, द नोचेस डू नॉट एक्सटेंड टू द बॉटम ऑफ द रेसवे एंड देयरफॉर द बॉल इंसर्टेड थ्रू द नोच मस्ट बी फोर्स्ड। जो हम ये नोच काटते हैं, नोच कटती है इसके अंदर, उसका जो साइज होता है वो थोड़ा सा छोटा होता है ग्रूव से, इसीलिए कुछ फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, फोर्स अप्लाई, इसीलिए वो फिट नहीं हो पाती उसके अंदर। थोड़ा फोर्स अप्लाई करने के बाद जो आपका इनर रेस और आउटर रेस है उसके बीच में कुछ एक्स्ट्रा बॉल्स हम इंसर्ट करा सकते हैं। तो इस टाइप का अगर हम बियरिंग की बात करेंगे, बॉल बियरिंग की बात करेंगे, तो उसे बोलते हैं फिलिंग नोच बियरिंग। थर्ड टाइप दे रखा है आपका एंगुलर कॉन्टेक्ट बियरिंग। एंगुलर कॉन्टेक्ट बियरिंग, दीज बियरिंग्स हैव वन साइड ऑफ द आउटर रेस कट अवे टू परमिट द इंसर्शन ऑफ मोर बॉल्स than a deep groove but without having a notch cut into both side of the race. important line ये है कि जो इस बात कर रहे हैं हम लोग, उसमें ये important है कि जो ये ball, जो हम groove काटेंगे, जो notch काटेंगे, तो वो notch जो रहेगा वो जैसे इससे पहले हम बात कर रहे थे, जिससे पहले वाला था topic filling notch, इसमें outer race और inner race दोनों में कटा हुआ था, बल्कि इसमें ऐसा नहीं होता। जैसे इसका एक diagram मैंने दिखा रखा है, यहाँ पे कुछ एंगल बन के आता है अगर हम इसकी बात कर रहे हैं सिंगल रो डीप ग्रूव बियरिंग की या फिर फिलिंग नोच बियरिंग की। तो इन दोनों केसेस में जो
पॉइंट कॉन्टेक्ट हो रहा है वो 90 डिग्री पे हो रहा है, दोनों के बीच में 90 डिग्री पे है। एंगुलर में ऐसे नहीं होता बल्कि कुछ एंगल पे होता है, इसलिए इसका नाम एंगुलर कॉन्टेक्ट बियरिंग होता है ना। तो बॉल होती है वो कुछ एंगल बनाती है इनर और आउटर रेस के बीच में, ठीक है। और लेकिन इसमें बस यही इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो लोड कैरिंग है, जो कैरी कर सकता है वो दोनों टाइप का कर सकता है, रेडियल टाइप का भी कर सकता है और थ्रस्ट लोड भी कर सकता है। बियर दिस बियरिंग्स हैव वन साइड ऑफ आउटर रेस कट अवे, आउटर रेस में ही कट होते हैं कुछ नोच, अगर दोनों साइड में कर देंगे तो उससे क्या होगा, फिर ये आपका ऐसा बन जाएगा फिलिंग नोच बियरिंग। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, केवल आउटर रेस में कर देते हैं जिससे कि जो बॉल होती है वो ऐसी प्लेस रहती है लेकिन कुछ एंगल बनता है इनर रेस और आउटर रेस के बीच में, विदाउट हैविंग ए नोच कट इनटू बोथ साइड्स ऑफ द रेस, दोनों में नहीं कटते है ना, जैसे इसमें कट रहे थे इससे पहले वाले में। दिस परमिट्स द बियरिंग टू कैरी ए रिलेटिवली लार्जर रेडियल लोड एंड इट कैन टेक बोथ रेडियल एंड थ्रस्ट लोड, ठीक है, इस एंगल के कारण। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं डबल रो बियरिंग की, डबल रो बॉल बियरिंग। जैसे ये भी सेम ऐसे ही होता है जैसे आपका सिंगल रो डीप बॉल ग्रो बियरिंग होता है, लेकिन चेंज क्या हो गया, यहाँ पे डबल आ गया। तो जहां पर सिंगल रो डीप ग्रो बियरिंग में केवल एक रो रहती है, बल्कि इसमें क्या होता है, इसी के साइड में एक साथ में एक पैरेलल में एक सर्कमफेरेंस के अलोंग ही एक एक्स्ट्रा एक रो और ऐड कर दी जाती है जिससे लोड कैरिंग कैपेसिटी और ज्यादा इंक्रीज हो जाए, है ना। तो ये लिखा है कि दिस बियरिंग्स मे बी मेड विद रेडियल और एंगुलर कॉन्टेक्ट बिटवीन द बॉल्स एंड रेसिस। द डबल रो बियरिंग इज अप्रिशिएबल नैरोअर देन टू सिंगल रो बियरिंग। ये लाइन इसलिए दिखा रखी है कि जो अगर हम इस पर ध्यान दें कि जो डबल रो बियरिंग अगर हम ले लें तो वो कुछ पतली होती है, नैरो होती है देन द टू सिंगल रो बियरिंग। तो कहने का मतलब यह है कि जो सिंगल रो बियरिंग अगर दो ले लें और ये डबल ले लें तो उससे कुछ ज्यादा होती है थिकनेस में, ये वाली सिंगल रो वाली, है ना। तो उसे बिल्कुल उसके जो दो रो बनते हैं उनके बीच के जो स्पेस होता है वो काफी कम रखा जाता है। नेक्स्ट इसके बाद दे रखा है आपका सेल्फ अलाइनिंग बियरिंग। अब सेल्फ अलाइनिंग बियरिंग से जैसे नाम से पता चलता है अपने आप को खुद ही अलाइन कर लेती है अगर 2-3 डिग्री तक का कोई डिफ्लेक्शन आ जाए तो। इससे पहले जो हमने इससे पहले ऊपर फोर केस पढ़े हैं उस केस में क्या होता है, हम लोग सभी में एक ग्रूव कटे रहते हैं, ग्रूव पहले वाले में ग्रूव कटे हुए थे सिंगल रो ग्रूव वाले में, उसके बाद ग्रूव तो कटे ही हुए हैं साथ में हम लोगों ने क्या किया उसमें एक्स्ट्रा कुछ नोचिस कट कर दिए जिससे हम जो बॉल नंबर वो बॉल है इंसर्शन वो ज्यादा हो जाए। इससे नेक्स्ट वाला आया उसमें एंगुलर में भी इसमें भी यही कहानी रही, और उसमें बस ये कि आउटर रेस में हम लोग नोच कट करते थे। लेकिन सेल्फ अलाइनिंग बियरिंग में ऐसा नहीं होता। आप ये समझ लीजिए इसके अंदर जैसे मैं आपको सबसे पहले डायग्राम बनाया था कि ये आपका आउटर रेस हो गया और ये हो गया आपका इनर रेस। तो जैसे उसमें हम लोगों ने यहाँ पर कुछ इस टाइप से ग्रूव कट कर रखे थे या यहाँ पर ग्रूव कटे हुए थे ऐसे, जिसके अंदर ये बॉल थी एक फिट हो रखी थी, ऐसा इसमें नहीं होता बल्कि इसमें बिल्कुल फ्लैट होता है। ये भी फ्लैट होता है सरफेस, इनर रेस का और आउटर रेस दोनों का फ्लैट रहता है और उसके बीच में ये बॉल फिट रहती है रिटेनर में लैकेज के अंदर, है ना। तो इसका यूज इसलिए इसका फायदा ये होता है, इसके जो एडवांटेजेस है वो ये है कि अगर शाफ्ट में कोई डिफ्लेक्शन आ जाता है ऑपरेशन में सर्विस में तो उससे लोड इंक्रीज हो जाता है जिससे बियरिंग आपकी फेल हो सकती है डिफ्लेक्शन की वजह से। जब उसे स्पेस नहीं मिलेगा तो वो जो बॉल है वो आपकी टूट सकती है या फिर आपकी पूरी की पूरी जो बियरिंग है वो भी ब्रेक हो सकती है, फेल हो सकती है। तो इसी फेलियर से बचने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए ये सेल्फ अलाइनिंग बियरिंग का यूज किया जाता है, है ना। एक लाइन इसमें अलग से लिख भी रखी है, इन आउटर रेस देयर इज नो ग्रूव्स एज इन द अबव बियरिंग। ग्रूव्स नहीं होते जैसे कि ऊपर वाले जितने भी हम लोगों ने चार पढ़े हैं इसमें, ऐसा नहीं होता, है ना। आई थिंक समझ में आ गया होगा आप लोगों को, है ना। जिससे कि ये इनर रेस और जो आउटर रेस होती है उसके अंदर जो बॉल्स होती हैं वो इजीली रोटेट कर सकती हैं, है ना। तो ये सेल्फ बियरिंग परमिट्स शाफ्ट डिफ्लेक्शन विद इन 2-3 डिग्री, 2-3 डिग्री का डिफ्लेक्शन अगर होता है इनर रेस और आउटर रेस के बीच में या फिर जर्नल और बियरिंग के बीच में तो वो परमिट कर देती है, अलाउ कर देती है जिससे फेलियर नहीं होता। इट मे बी नोटेड दैट द नॉर्मल क्लियरेंस इन ए बॉल बियरिंग आर टू स्मॉल टू अकोमोडेट एनी अप्रिशिएबल मिसअलाइनमेंट ऑफ द शाफ्ट रिलेटेड टू द हाउसिंग।
है ना, तो मुझे लगता है समझ में आ गया होगा आप लोगों को, है ना। तो ये कुछ टाइप्स थे आज, केवल आज हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा है। इंट्रोडक्शन इसके कुछ, ये इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है, इसके एडवांटेजेस पढ़ लिए, डिसएडवांटेज पढ़ लिए हैं, रोलर कॉन्टैक्ट बियरिंग के टाइप्स पढ़ लिए हैं, और फिर हमने अभी बॉल बियरिंग की बात की। बॉल बियरिंग के केवल टाइप्स पढ़े हैं अभी हम लोगों ने, जो 5 टाइप्स होते हैं। उसके बाद हम लोग रोलर कॉन्टैक्ट बियरिंग की बात करेंगे, उसके टाइप्स पढ़ेंगे, है ना। अब इसके भी ये आगे दे रखे हैं, 2 टाइप के होते हैं, एक्सटर्नली सेल्फ अलाइन होता है, इंटरनली सेल्फ अलाइन बियरिंग होती है। अगर आउटर डायमीटर जो होता है, आउटर रेशा ग्राउंड के स्पेरिकल सरफेस विच फिट्स इन अ मेटिंग स्फेरिकल सरफेस इन हाउसिंग, देन इट इज कॉल्ड एक्सटर्नली सेल्फ अलाइनिंग। और अगर इंटरनली सेल्फ अलाइनिंग में क्या होता है, द इनर सरफेस ऑफ द आउटर रेस इज ग्राउंड टू द स्फेरिकल सरफेस, देन इट इज कॉल्ड द इंटरनली सेल्फ अलाइनिंग बियरिंग, सेल्फ अलाइनिंग बियरिंग। तो ये कुछ इसके 5 टाइप हो गए, तो आप लोग इसको एक बार देख लीजिए, है ना। अगर नहीं समझ में आता है तो आप मेरे से दोबारा पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अभी तक के लिए इतना ही, चलिए।